हेलो स्टूडेंट्स। मैंने आपको पिछली लेक्चर में बताया था कि लिस्ट काउंट आप किसी इंस्ट्रूमेंट का कैसे मेजर करते हैं, और आप जब सॉल्व करते हैं तो आप एक लास्ट में लिस्ट काउंट परसेंटेज एरर भी निकालते हैं। और बहुत लोगों से पूछने पर वो बताते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में ये होगा होगा ये हुआ क्यों हो रहा होगा, तो ये सब समस्या हमारी से गलती रही होगी, ये सब एरर कहलाता है। और ये माना जाता है कि आपको एरर नहीं करना है, लेकिन ये जो एरर हम मेजरमेंट निकलवाते हैं इसका मतलब है कि एरर होगा, ये संभव निश्चित रूप से होगा, हर हालत में होगा, और इसीलिए हम बताते हैं कि इतना इतना एरर जो है होना ही होना है। तो आप जब लिस्ट काउंट परसेंटेज एरर की बात कर रहे हैं कि लिस्ट काउंट परसेंटेज एरर होता क्या है, उसको समझने के लिए आप थोड़ा सा लिस्ट काउंट को मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए कोई स्केल है हमारे पास और उसमें उसका इस स्केल का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, तो 18 से 19 के बीच कुल 10 डिवीजन है, तो ये 18.1 है, ये 18.2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 18.9 है और ये 19.0 हो गया। जब आप मेजरमेंट करते हैं तो आप यहां पे मेजरमेंट करते हैं, यहां मेजरमेंट करते हैं, यहां की वैल्यू लिखते हैं, ये बीच का जो गैप है, क्या कभी आपका मेजरमेंट का निडल यहां नहीं आएगा? वो आ सकता है, ऐसा भी संभव है कि जब आप मेजरमेंट कर रहे हो तो यहां पर आ रहा हो, तो आप उस केस में लिखते क्या है, या तो ये, क्योंकि तो आपको तो वैल्यू पॉइंट लिस्ट काउंट 10.1 है, तो 18 के बाद आपको 18.1 ही आना है, उसको बीच की तो वैल्यू से कोई आपको आइडिया है नहीं, तो आप 18 या 18.1 लिखते हैं, तो यहां के रीडिंग को आप या तो 18 कह देते हैं या तो 18.1 कह दिए। अब देखिए ओरिजिनली रीडिंग तो यहां था, लेकिन आपने लिस्ट काउंट के हिसाब से अपनी रीडिंग चेंज कर दी, ये जो आपने किया इसी से जो एरर आया उसी को लिस्ट काउंट परसेंटेज एरर कहते हैं। आना कितना चाहिए था कुछ और, लेकिन उसके जगह आपने 18.0 कह दिया या 18.1 कह दिया, तो ये एक्स्ट्रा वैल्यू आपने इसको दे दिया या एक्स्ट्रा वैल्यू आपने कम कर दिया, ये जो आपने किया इसी को लिस्ट काउंट परसेंटेज एरर कहते हैं। और निकालने का मेथड बहुत क्लियर है, कोई भी आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जो भी आप वैल्यू मेजर कर रहे हैं और उसका अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है दूसरे पैरामीटर्स पर जो डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए आप वाई बाय बेंडिंग में वाई निकालते हैं, तो फॉर्मूला कहता है कि वाई इज इक्वल टू mg l³ अपॉन 4 BD³ डेल्टा। अब आपको वाई में लिस्ट वाई आप मेजर कर रहे हैं तो लिस्ट काउंट परसेंटेज एरर इसी में निकालना है, क्योंकि बाकी सब आप मेजरमेंट करते हैं और उसके बाद आप वाई निकालते हैं, तो इन सभी के कारण जो लिस्ट काउंट में चेंज आया होगा, जो गलतियां हुई होंगी उसके कारण टोटल वाई में कितनी गलती आ रही है, ठीक है। और ये मैंने कहा कि ये होगा ही होगा, हर बार होगा, आप अगर लिस्ट काउंट को यहां ला देंगे तो हो सकता है इन दोनों के बीच भी कोई वैल्यू आ रही हो, इसीलिए कहा था कि लिस्ट काउंट परसेंटेज एरर। हाँ, जितना आपका लिस्ट काउंट कम होता जाएगा एरर भी उतना कम होता जाएगा, लिस्ट काउंट परसेंटेज एरर मतलब लिस्ट काउंट आपका जितना अच्छा होता जाएगा कम होता जाएगा उतना ही आपका परसेंटेज एरर भी कम होता जाएगा। तो मान लीजिए इसका लिस्ट काउंट परसेंटेज एरर निकालना है तो बड़ा सिंपल सा कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर आपके पास है जिस पर वैल्यू को जिस पैरामीटर को आपको कैलकुलेट करना है वो किन अदर पैरामीटर पर डिपेंड करता है, तो सिंपल मेथड है कि आप इसका लॉग ले लीजिए। जब आप लॉग ले लेंगे तो लॉग वाई इज इक्वल टू सब टर्म मल्टीप्लीकेशन का, इसका मतलब है लॉग एम प्लस लॉग जी प्लस इसको जब आप लेंगे तो लॉग एल क्यूब, लॉग एल क्यूब का मतलब 3 log L, ये सब डिवीजन पार्ट है और 4 का कोई मतलब नहीं, तो माइनस इसको कह दिया log 4 माइनस log B माइनस 3 log D प्लस सॉरी माइनस लॉग डेल्टा। ध्यान से देखिए लॉग हम लेते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर जो एडिशन में आ जाएगा और डिवीजन का फैक्टर है जो आपका सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिंपली आपने ये ले लिया, लॉग ले लिया इन सबका, और अब आप क्या करते हैं इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये लॉग लेने के बाद आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियल डिफरेंस। जब लॉग वाई को आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे पार्शियली, ये हो जाएगा डेल वाई अपान वाई, ठीक है, ये हो जाएगा डेल एम अपान एम, ठीक
ये हो जाएगा डेल जी अपॉन जी, क्योंकि लाग जी का मतलब वन बाई जी, और जो पैरामीटर को डिफ्रेंशिएट किया डेल जी, प्लस थ्री डेल एल बाई एल माइनस लाग फोर एक कांस्टेंट वैल्यू है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, माइनस डेल बी बाई बी माइनस थ्री, देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आ जाएगा, माइनस डेल बी बाई बी माइनस थ्री डेल डी बाई डी प्लस डेल डेल्टा अपान डेल्टा। अभी देखिए जो आप ये निकाले आप डिफरेंशिएशन किए हैं, ये एरर को आप हमेशा मैक्सिमम चाहते हो, मैक्सिमम एरर का मतलब है कि जहां भी माइनस साइन है उसको प्लस कर दीजिए, एरर हमेशा मैक्सिमाइज होने के लिए जहां माइनस साइन उसको प्लस कर देते हैं। अच्छा आप आपको देखना होगा कोई ऐसा कोई नंबर है क्या, ऐसा कोई वेरिएबल है क्या जो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जब चेंज नहीं होगा तो डेल्टा जी उसका डेल्टा वैल्यू ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। देखेंगे आपकी जी आपका चेंज नहीं हो रहा, जी एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डेल्टा जी जीरो होती है ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। और अब आप देखेंगे कि जो डेल्टा बाई वाई है इसी को हम लिस्ट काउंट एरर कहते हैं, इसी को हम लिस्ट काउंट एरर कहते हैं, बेसिकली इसको रिलेटिव लिस्ट काउंट एरर कहते हैं। अब आप जब सॉल्व करेंगे इसको, एम क्या है वैल्यू मास, जो भी आप मास रख रहे हैं, या तो आप पर्टिकुलर एक मास रखिए तो करेस्पॉन्डिंग लेंथ रख लीजिए, करेस्पॉन्डिंग ब्रेथ रख लीजिए, करेस्पॉन्डिंग डी रखिए, करेस्पॉन्डिंग डेल्टा रखिए, या तो एवरेज आउट रख दीजिए, एवरेज मास एवरेज लेंथ एवरेज ब्रेथ एवरेज आपका डायमीटर, ठीक है डेप्थ, ये आप रख सकते हैं। ये ऊपर वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये डेलम का क्या मतलब है, डेलम बेसिकली बता रहा है कि जिस इंस्ट्रूमेंट का आप यूज किए मास निकालने में मेजरमेंट करने में उसका लिस्ट काउंट, डेलम बेसिकली लिस्ट काउंट बता रहा है। डेल एल का मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट का आपने यूज किया है लेंथ निकाल, जैसे मान लीजिए हमने इस स्केल का यूज किया लेंथ निकालने में, इसका लिस्ट काउंट कितना है मीटर स्केल का 0.1 सेंटीमीटर, तो यहां पर आप रख देंगे 0.1 सेंटीमीटर। डेल्टा बी ब्रेथ आप कैसे निकाले हैं, वर्नियर यूज किए हैं, वर्नियर का कितना लिस्ट काउंट है आप निकाल लेंगे 0.01 सेंटीमीटर। डिप्रेशन कैसे आपने निकाला, जो आप तो ये आप निकाला आपने स्पेरोमीटर से, इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.001 सेंटीमीटर, ये इसका डेल्टा की वैल्यू। तो बेसिकली जो डेल्टा ऊपर है वो उसका लिस्ट काउंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने वो पैरामीटर निकाला है उसका लिस्ट काउंट है। आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है, इस पूरे पोर्शन को जब आप सॉल्व करेंगे इस नंबर को, तो आपको ये मान लीजिए कोई नंबर आएगा, जैसे मान लीजिए हमने इसी का एग्जाम्पल लेके हम मान रहे हैं कि जो सॉल्व आ रहा है वो आज आपका मुझे लगता है कि सम 0.62 आएगा, 0.62 नंबर आएगा। अब देखिए अब इसी में आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा लिस्ट काउंट। अब ये जो कहला रहा है ये हो जाएगा लिस्ट काउंट परसेंटेज एरर, तो ये हो जाएगा 6.2%, ठीक है। ये जो एरर है वो किसका है, जो आपने वैल्यू मेजर किया है, इसका मतलब जो लिस्ट काउंट परसेंटेज एरर निकाला आपने वो वाई का 6.2% है। अब देखिए वाई बाय बेंडिंग में अगर मुझे लिस्ट काउंट निकालना है कितना लिस्ट काउंट आ रहा है, लिस्ट काउंट परसेंटेज आ रहा है, तो 6.2% ऑफ वाई, तो परसेंटेज का मतलब 1/100, और वाई की वैल्यू मान ली हमने मेजरमेंट करके लाया 9.878 × 10^10। आप इसको सॉल्व कर लेंगे और जो ये वैल्यू आया, मान लीजिए वैल्यू कितना आ रहा है, कहीं इसको सॉल्व हो क्या रहा है 0.61 × 10^10 डाइन पर सेंटीमीटर। तो जब आप रिजल्ट लिख रहे होंगे रिजल्ट, तो ये होगा वाई प्लस डेल वाई परसेंटेज एरर जो है आपका, दिस विल बी द 9.878 प्लस माइनस ये जो वैल्यू आपकी है 0.61 × 10^10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये परफेक्ट है आपका लिख देगा, जिसमें बता रहा है कि ये एरर होगा ही होगा। प्लस माइनस क्या बता रहा है कि आप इधर मेजरमेंट के लिए वैल्यू आपने इधर का ले लिया था कि इधर का ले लिया था, अगर आपने ये लिया था जाहिर है ज्यादा वैल्यू लिया है इसका मतलब घटा दीजिए, और अगर आपने इसको मेजरमेंट इसकी जगह पे इसको मान लिया था इसका मतलब आपने कम वैल्यू लिया है तो जोड़ दीजिए। भाई स्केल तो हमारा यहां आ रहा था लेकिन हमने या तो ये लिया तो ये लिया, अगर ये लिया तो ज्यादा ले लिया तो घटा दीजिए, ये लिया तो कम लिया तो जोड़ दीजिए। ये आपका लिस्ट काउंट परसेंटेज एरर का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू।